ये कौन है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो निमो, हाय निमो भी उठ गया है। और ये छोटू चाडू जिसके आज क्या होगा, चाडू के बाल कट जाएंगे आज। हाय हाय गुड मॉर्निंग। और एक और दिखाती हूँ मैं इंसान जो सुबह सुबह किस चीज में लगा पाए। यहाँ देख, हाँ जी सर, होगी साइकिल ठीक? क्या प्रॉब्लम हो रही? हाय तो कर दो। अच्छा आज क्या है ये भी बता दो। आज अभी बाला बनाऊंगा। बाला बनेगा? मॉर्निंग की दूध वाली मतलब यहाँ बना रहे हैं भाभी। तो मुझे जो शेफ होते हैं वो हर जगह शेफ ही रहते हैं ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर ग्रैनी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं मिल रही हूँ आपको अभी छत से। तो सुबह का जो काम है वो मैंने कर दिया है। मैं आज सुबह ही उठ गई थी 5:30 बजे और उसके बाद बस आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है, हर माँ के लिए होता है, क्योंकि जब उसके बच्चे के लिए कुछ भी स्पेशल होता है ना तो उसके लिए ख़ास दिन होता है। तो इसीलिए आज है मेरे आरू का मुंडन। हम वैसे पूरा ट्रेडिशन से तो नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि पंडित ने बोला है कि आप कटवा सकते हैं आरू के बाल, जैसे कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। तो उसी तरीके से हम छोटा सा उसका मुंडन कर रहे हैं घर में। मम्मी और आए हैं देहरादून से और मेरी ननंद आएंगे, और जो बड़े पापा हैं हमारे वो आएंगे बस। और हमने किसी को भी ऐसे इनवाइट नहीं किया है क्योंकि हमारे उसमें आज अभी करना भी नहीं है, ऐसे सबको बुलाना भी नहीं है और पंडित से भी नहीं बुलाना है। बस हमने पंडित से डेट निकलवा ली थी और वो आज का दिन, आज है दशहरा। तो आप सभी को दशहरे की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ और हमेशा हैप्पीनेस आए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर दिया है मैंने, और बने रहिएगा वीडियो के साथ, जो भी होता रहेगा मैं आप सबको दिखाऊंगी। और देखना आरू का आज नया लुक, हमेशा आपने उसको कर्ली बाल, लंबे लंबे बाल में देखा है, बट आज वो गंजा हो जाएगा कुछ देर बाद। मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब खुशी हो रही है, और चलो आप समझ सकते हैं एक माँ की फीलिंग क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो चलिए फिर फटाफट नाश्ता पानी करते हैं और चलते हैं। और वीडियो पसंद आएगी आगे आपको तो वीडियो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ कर रहे हैं हम नाश्ता चाय के साथ। और आओ देखो, हेलो हेलो कर दो। वहाँ देखो शेफ और यहाँ मम्मी नाश्ता कर रहे हैं। हेलो, तो यहाँ देखे मैं हो गई हूँ रेडी, और देखो वहाँ पे हेलो आरव नहीं हुआ है, आरव भी हो गए। हेलो आरव, और देखो वहाँ पे एडी। हाय एडी, आज क्या है बता दो जल्दी आके। आरू को कल चक्कर आएंगे, चक्कर देता है ना आपने मो चुके हैं। और हम लोग यहाँ पे देखो सब लोग हो रहे हैं रेडी, और बड़े पापा और भी आ गए हैं, और हमारे जो नाई हैं जो बाल कटिंग करेंगे वो भी आ गए हैं, है ना। और अब चलो फिर चलो जल्दी कर लेते हैं। आरू को देखो, तो अब रेडी हो चुका है आरू अपने बाल कटवाने के लिए। उससे पहले की जो छोटी मोटी फोटो शूट होती है वो हो रही है। तो माता का नाम लेके हम लोगों ने, भैया ने बाल कट कर दिए हैं आरो के, और उसके बाद नाई जो बार्बर है वो भी स्टार्ट हो गए हैं अपने काम के लिए। और बहुत ही आराम से मेरा आरू बैठ गया था। वैसे आरू ज़्यादा चंचल नहीं है, बट बच्चों के साथ होता है ना, कोई बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पर आरू ने बिल्कुल भी नहीं किया। बस उसके हाथ पैरों में जो बाल आ रहे थे बस वो ही हटा रहा था वो, और आराम से उसने कर लिया। बस नहाते हुए उसने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की, वो उसके सर में आई थिंक 1-2 कट लग गए थे, इसीलिए वो रोने लग गया, उसको जलन होने लगी थी। तो भैया और डैडी उसको मना रहे थे कि रो मत ये वो करके, और देखिए कैसे रो रहा है। बट सब कुछ अच्छे से हो गया, आप सबकी ब्लेसिंग है, सब लोग आरू को ब्लेसिंग देना अपने उससे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ देखो कौन है। हेलो, अब तो बहुत भयंकर लग रहा है। मामी यानी कि माई जो बना रही है आरू के,
स्वास्तिक और किसकी गोदी में? ये अपनी फूफू की गोदी में है। फूफू भी आ गई है। वाह हाँ, अब एक टीका तो दीदी मम्मी के सिर पर मिस्टी भैया भैया क्या हो गया? भैया का क्या हो गया? ये चाकू है। तो आरू के बाल कट चुके और आरू कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है आरू? आरू की हेयर कहाँ गए? और अब इसको टीका लगाएंगे। अब जो टीका होगा वो सब होगा। और वहाँ देखो बच्चे और सब यहाँ पे हैं। आरू के बाल में क्या हो गया? क्या हो गया आरू के सर में? नहीं लगूंगी ज्यादा। चलो क्या, चलो टीका लगेगा। क्यों निकाल लिए? आप क्या खा रहे हो? खा के दिखाओ लड्डू। तो यहाँ पे नहा धो के आरू रेडी होने के बाद टीका लगना शुरू हो गया है। और मम्मी ने, डैडी ने, बड़े पापा ने, सब ने टीका लगाया। और यहाँ पीछे देखो आप, आरू आरव कैसे अपने भाई के गिफ्ट्स और उसके जो शगन के पैसे वो कलेक्ट कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम हंसी आ रही थी। और यहाँ पे आरू भी अपने दादू को टीका लगा रहा है और उनको डोग दे रहा है। और बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, आप आगे और आपको अच्छा और मज़े आने वाले हैं। तो चलिए फिर, और ब्लेसिंग भी देना आरू को। तो आप लोग यहाँ तक अगर मेरी वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे अब करेंगे हम थोड़ा सा फोटो शूट, है ना आरू? छोड़ छोड़ छोड़, ओए तुम एक मिनट हटो। ये हमारे जवाई जी, अरे पकड़ना यार इसको, ये तो अकेले की चौने से तभी तो बोल पकड़। सब लोग खिंचा रहे हैं बाहर फोटो और कुछ अंदर हैं। और खाना खुना सब बन चुका है और बस रह गया है मेरा, पूरी रह गई और रायता रह गया। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि खाना खुना क्या बना है और क्या क्या बनाए हैं हमने। तो चलिए दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बन चुका है रायता। ये क्या है? छोले। छोले इतना टेस्टी लग रहा है। ये है हमारी फेवरेट गुड़खली चटनी। ये है कढ़ाई चिकन, इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी पर किसी भी चीज़ की। और ये है एग करी, चिकन ही है। और ये है राइस। यहाँ पे खा रहे हैं बच्चे खाना। कैसा बन रहा खाना? अच्छा बन रहा एडी? खाना कैसा बन रहा एडी? ओ एडी भी अच्छा है। और मिस्टी खाना कैसे बन रहा? टेस्टी, गुड बॉय। देखो टाइम कितना हो गया, 3 बजे का टाइम हो गया है और हम लोग खा रहे खाना। खाना और वहाँ देखो एक आदमी खाना खा रही, वो दीदी है मेरे। तो हम लोग खा रहे खाना और फटाफट खाना खा लेते हैं। और तो सो रहा है, तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। कोई बात नहीं, सब और सो रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा सबका खाना खुना हो चुका है। मैं बस अभी आई हूँ कमरे में। टाइम कितना हो गया देखती हूँ ज़रा। हाँ तो 4 बज के हैं और आरू अभी तक सो रहा है पीछे। सब लोगों ने खाना खा लिया है, सब कुछ निपट गया है, बर्तन बर्तन गैस चूल्हा सब। और बस अब मैं और काम, अब कुछ नहीं रह गया, बस चाय चुई रह गई है। मम्मी जा रहे हैं अपने भाई के घर, यानी कि मेरे जो ससुराल है जहाँ पे, वहाँ पे मेरी मम्मी का मायका है। तो मम्मी वहाँ जाएंगे और आज वहीं पे रहेंगे। तो बस अब मैं बाद में मिलूँगी आपसे अगर मैं बना पाई तो, नहीं तो ब्लॉग का यहीं पे एंड कर दूँगी। आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आरू को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना आप सब। आप लोग हमेशा ब्लेसिंग देते हैं आरू को, और भी देना बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे बेटे को। देखो कैसे सो रहा था मजे से। तो चलिए फिर, अगर उठेगा तो मैं आप लोगों से मिलाऊंगी एक बार और यहाँ पे पिक्स डाल दूंगी बहुत सारी जितनी भी हमने खींची है। तो चलिए फिर मिलती हूँ बाद में, बाय बाय। हाँ बाहर का मौसम हो गया कुछ ऐसा। अच्छा आरव कहाँ जा रहे हैं हम बताओ? हम जा रहे हैं राहुल को। आज क्या है? दशहरा बोलो आज। आज दशहरा। हाँ
टाइम हो गया है, शाम के 6 बज चुके हैं। हाँ 6 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। आरब आया था बुलाने क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने और आरबों ने रावण बनाए हैं तो वो लोग जला रहे हैं। तो मम्मा आप आ जाओ, हमारी एक छोटी सी वीडियो बना दो बोल रहे हैं। तो मैंने चलो बच्चा का दिल रखने के लिए मैं जा रही हूँ, उन लोगों का छोटी सी क्लिप बनाऊँगी और आप लोग बने रहिएगा। नीमो जा रहा है, हाय कर दो नीमो। और आरू जा रहा है और आरू का देखो एकदम चेंज लुक और घूमने के लिए एकदम खुश। जो ये कैप लेके आए ना, ये छोटी हो गई आरू का सर से बहुत छोटी कैप लेके आ गए डैडी। जहाँ मार्केट गए थे ना तो वहाँ पे मिली नहीं हमें कैप ढंग की, तो फिर हम लेके नहीं आए, फिर हमने डैडी से मंगाई, पर डैडी ने भी ऐसे छोटी वाली कैप लेके आ गए। चलो कोई नहीं, फिर अब हम एक दो दिन में मार्केट जाएंगे फिर लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं और देख के आते हैं कि बच्चों ने कैसी कैसी तैयारी करनी है ना। और वीडियो पसंद आता है तो पता ही है, लाइक कर देना आप लोग। यहाँ पे और वहाँ पे आरू जा रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। देखो मोहन कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखो बच्चों ने कितनी अच्छी मेहनत करी है, देखो कितना अच्छा बनाया है। चलो अच्छा बता दो आज क्या है फिर से। आज है दशहरा तो ये लोग यहाँ पे जला रहे रावण। और देखो वहाँ पे समद, हेलो समद, समद क्या कर रहा है? तो सारे बच्चे कर रहे हैं काम। तो यहाँ पे बच्चे अब रावण का दहन कर रहे हैं। तो हम भी अपने अंदर की जो भी बुरी चीज़ें हैं उसको यहीं पे दशहरे के दिन निकाल के अच्छी चीज़ जो हम अच्छा कर रहे हैं वो गेन करेंगे। यही सोच के साथ अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद जय भारत।